बर्थडे एंड आज हम लोग गोवा में ही हैं अभी, तो हम लोग सोच रहे थे कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे, क्योंकि मानसू ने ना एक भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करी है, वाटर स्पोर्ट्स जो पैरासेलिंग स्कूबा वगैरह होती है, बट प्लान तो यही था उसके बर्थडे का, लेकिन वो कह रहे प्री बुकिंग करानी पड़ती है स्कूबा के लिए, तो हम अभी आई डोंट नो वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बीच चल के देखेंगे, यहाँ पास में ना कैलंगूर बीच है तो वहाँ चल के देखेंगे। एंड अदर देन दैट अभी तो हम लोग पूल में जा रहे हैं, एंड मैं सुबह 8 बजे उठ गई थी हिमांशु का केक लेकर आने के लिए, अभी वो वॉशरूम में है तो हम ले आए थे, हिमांशु अभी सो के उठा है, बस वॉशरूम गया है ब्रश वगैरह करने, फिर हम पूल में जा रहे हैं एंड मम्मी पापा वहीं पर ही केक लेकर आ जाएंगे, सो हम उसका वहाँ पर केक कट करेंगे एंड देन कैलंगूर बीच पर जाएंगे, एंड देन हो सकता है तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे, अदरवाइज वहाँ पे लाइक इन्जॉय वगैरह करेंगे, रात को डिनर पे चलेंगे। हम लोग सुबह शाम बस पूल में ही रहते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा समुंदर है फिर भी बीच में हाँ जी आई यहाँ पे तो कुत्ता है यार। मम्मी हम तो बाहर जा रहे हैं, मम्मी पापा को मैंने बोल दिया केक लेकर आओ, हैप्पी बर्थडे बोलते हुए आना और मैं वीडियो बनाते हुए आना यार, मैंने बोला 10-5 मिनट बाद आना, कॉल कर दे पापा को, कॉल कर दे बोल 5 मिनट बाद आना, अरे मेरे फोन से तो कर देना कॉल, काट के कहाँ चली गई है जा 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 अकेली जा बीच पे चली जा भागा निकल जा पैदल, मुझे लगा तो चार तेरे पीछे आ रहा है, मैं जो आगे निकल गया आगे तो मैं दीवार में देखते हो चलो मोबाइल कितने का है अरे टेस्टिंग टेस्टिंग केक कटो पूल में हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे ये ना मैंने चोकर खुद से बनाया था, ठीक है, इसके अंदर ना शेल के अंदर छेद होता है, उसके अंदर आप सिल सकते हो प्रॉपर, बट मेरा पतला धागा नहीं था तो मैंने ऐसे ही गाट गाट मार के बनाया एंड उसमें से दो निकल भी गए एंड हम लोग आ गए हैं अभी कैलंगूट बीच पे, आई एम वेटिंग फॉर हिमांशु, वो स्कूटी लगाने गया है उसके बाद चलेंगे बीच पे। हम लोग अभी एक हार्ट ये रेत में कुछ ना कुछ तो बनाने जा रहे हैं, मांशु मेक अ हार्ट, मांशु मेक अ हार्ट, अच्छा तू वही बना रहे हैं, गोइंग बैक एंड आज हम थोड़ी सी प्रॉब्लम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की, बट उससे पहले मैं होटल पे जाके ना झाड़ूंगी, बिकॉज मेरे बालों में गंदी हालत हो रखी है, ऐसे
गीले गीले हो गए पूरे, और वो भी नमक वाला पानी, और मैं ऐसे ही जा रही हूँ। जा तुझे भी जाना है, देखिए क्या हो रहा है। कर दी हरकत वही दिल्ली वाली, कहीं कोई बंदा पिटना ना चालू हो जाए, कहीं कोई बंदा हरकत ना कर दे, बंदा चाहे गाड़ी से जा रहा हो चाहे कुछ हो, तुम्हें जाके देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे पड़ा हुआ तो क्या तुझे क्या लेना देना उससे, अगला चिल कर रहा हो बीच पे, तुम्हें क्या लेना देना। अच्छी बात, उठी गया यार, मतलब आ जा आ जा, वो ले ले, वो क्या कहते हैं उसको, एफ आई आर की रिपोर्ट ले ले मम्मी पापा से कि क्या लिखा गया उसमें एफ आई आर में। हाँ कर ले फोन ले लिया, और उसके बाद कह रहा है वो देख तेरा फोन लेके भागा वो उठ गया हूँ। वाओ हेलो गाइस, हम लोग अभी डिनर करने आए हैं रेस्टोरेंट में, और मेरी नोज की हालत देखो यार, मेरा पूरा फेस खराब हो गया है। एक्साइटेड फॉर टुमारो, डर लग रहा है सुबह 8 बजे उठना है, स्पोर्ट्स की ज्यादा टेंशन है ना। मेरे को नहीं है, तुझको ज़्यादा है, होगी ना टेंशन, तुझे उठाना ना मुझे। मैं इसको उठाती हूँ ना, मुझे लिटरली 1 घंटा लग जाता है, ये उठता नहीं है लड़का, झूठ तो मत बोल। सच्ची में बोल रही हूँ, कल मैं 2 घंटे कल मैंने इसको 9 बजे उठाया, उठाने शुरू करा तो ये 10 बजे उठा, 11 बजे तक मन होता है तो उठ जाता हूँ। काम है तो उठ जाता हूँ सुबह, हालत खराब होने लगी, बट मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आई डोंट नो मैं आधी एक्टिविटीज कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आई डाउट। गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज है वो टाइम जब हम लोग जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए। ये मुझे ना यहाँ पे बालकनी में आना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज फूल शूल दिखता है। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, आज हमारी बस पिकअप के लिए आने वाली थी, वो बस 5-10 मिनट में पहुंच जाएगी, तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ एंड मैं आपको 2 मिनट में मिलती हूँ। एंड आई एम रेडी, सो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से, कुछ नाश्ता करेंगे एंड देन नीचे पहुंचते हैं। डर लग रहा है एंड मैंने ना ये ऐसा कुछ पहन लिया ढका ढका सा थोड़ा, सो दैट ना यू नो फिशेज वगैरह मुझे टच ना हो, बिकॉज आज हम स्कूबा डाइविंग करने वाले हैं। तो मैंने ऐसा टॉप पहन लिया जो मैं एयरपोर्ट पे पहन कर आई थी एंड भाई का लोअर पहन लिया है। सो लेट्स गो। मम्मा आई यू श्योर आप सारी एक्सरसाइज के स्पोर्ट्स करने वाले हो? पता नहीं, डर लग रहा है अभी तो। तुषार वैसे मैंने वीडियो देखी कल रात को सारी, मम्मी रात को स्कूबा डाइविंग की सारी वीडियो देख डाली, कैसे होती है, कैसे सांस रोकते हैं, क्या एक्सरसाइज होते हैं। नॉट ओके। ओके तो मैं पता ना वहाँ जाके बताएंगे। डीप जाना है, डीप जाना और डीप जाना है, अब जाना है, मुंह में पानी घुस रहा है, हाथ से इशारा करना है, हाथ में घुस रहा है पानी, कान में घुस रहा है, मुंह में घुस रहा है। तुझे डर नहीं लग रहा? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है, पता नहीं कौन से जंगलों में आ गए हैं हम लोग। दो बंदूक रख के सारा पैसा ले लेंगे। अब डर लगना शुरू हो गया हमको, मतलब मुझे तो लग रहा है डर लग रहा है मुझे। चलो चल रहे हैं, अब जा रहे हैं चाय जाके, वहां जा रही हूँ एंड अभी आगे की वीडियो आपको गूगल से देखने को मिलेगी। पहन लिया सीढ़ी है ना, उधर जाओ सीढ़ी के पास, सीढ़ी के पास। Thank you.
बड़े ही मजे है ना। खाम खा में डर रही थी, वैसे नहीं डरी थी उतना ज्यादा, नहीं डरी थी। तो सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बढ़िया ना, मजा आ गया। करना है हुआ थोड़ा सा गहरा जाने में ना कान में प्रेशर लगने लग गया। वो तो है, और इट वाज डार्क आल्सो, अंदर जाने में बहुत अंधेरा भी होता है। दो पत्थरों के बीच में लेके जा रहा था वो, फिर मैंने उसे ऐसे कर दिया। वाज योर एक्सपीरियंस? डर गया मैं, डर गया। मजे नहीं आया लेकिन? मुझे बढ़िया था वैसे तो, है ना? अरे मैं लेकिन एक्चुअली मैं डर गया, और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई, मैं डर गया बस। तो बोला दिक्कत नहीं हुई मुझे, और मैं डर गया। अनइजी फील नहीं हुआ कुछ भी, लाइक पानी में गया नॉर्मल था, सांस लेना ओके था, बट मुझे डर पता क्या लग रहा था, जब ना मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो अच्छा, तो मैं डर रहा था कि भाई मैं नीचे निकल गया। अच्छा। तो वो वाला डर रहा था मैं, वैसे नहीं डर रहा था, स्कूबा उसने उसने पीछे से पकड़ा हुआ था, देनु ये नहीं पता था ना, हाथ पकड़ लेता मैं डरता नहीं। तो तूने पोज कैसे करा फोटो में? पोज कैसे करा फिर फोटो में? हाँ तो तब याद नहीं था कि उसने छोड़ रखे हैं हाथ? नहीं मैं यूं ही तो कर रहा था पूरे टाइम। डर लग रहा है। मम्मी पोज मार रही है नीचे। मम्मी कर लेगी, मम्मी तुम्हें नहीं करेगी। टाइम देख रहे, एक मिनट से ऊपर हो गया मम्मी को। मैं तुम्हें निकलेगी। कैसा रहा? ऊपर आ जाओ पहले, इतनी जल्दी आ गए? 5 मिनट भी नहीं हुआ, आधा मिनट पे बैठ के आए हैं, कोरल पे पैर रख के। आप तो बोले ही मत पापा, आप तो बोले ही मत आज, पापा डर के आ गए हमारे। एक्सपीरियंस बताओ कैसा लगा? तनु एक बार तो ना वो सांस लेने वाला मुंह से ही निकल गया था। तो आपने जब यूं कर दिया तो वो वापस ऊपर ले आया? मैंने कहा वो सांस वाला मेरे मुंह से निकल गया, कहता एक बार और चांस दूंगा मैं, दांतों से दबाया फिर सांस लेने शुरू किया। क्या हूँ वेल वेल देखी मैं, मैं तो नीचे ही नहीं। तो पूरा नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं, एंड अभी तुषार और मैं कुछ एकदम क्रेजी करवाने जा रहे हैं। चल के दिखाएं जो डाला गया है मुझ पे, जो डाला है जो डाला। क्या तेरे को किसी ने वो करा, फोर्स करा है कि कर तू कर, मैं देख लूंगी। He is getting his first tattoo done from Goa, तो देखते हैं हम। एक मैंने स्टूडियो देखा अभी रास्ते में ना, काफी अच्छा स्टूडियो है, वहाँ चलकर पता करते हैं। पापा का परा, एंड प्रॉबेबली मैं भी करवाऊंगी, मेरा मन तो है करवाने का यहाँ पर कुछ टैटू। लेट्स सी, डर लग रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने सुना है जहाँ पर बोन वाला एरिया होता है दर्द होती है, सो आई एम स्केयर्ड, सो मुझे डर लग रहा है, बट डर के आगे जीत है। बड़ा स्वाद बहुत है, मैंने बॉम्बे के बाद अब खा रही हूँ वड़ा पाव, काफी ज्यादा यमी है। हाथ के पीछे यहाँ नहीं, नीचे थोड़ा थोड़ा और नीचे, बता रहे हाँ बहुत दर्द होगा गर्दन पे, तो वो करेगा ना
क्या कह रहा हूँ वहाँ पे जब वो ऊपर चढ़ गई तो हमने देखा नहीं था टैटू वाला, उधर उस बंदे ने स्टार वार बनवा रखा था, तो मैंने वो देखा उसका मेरे को बुरा लगा, मैंने बोला नहीं वहाँ पे कि भाई बंदे ने अभी टैटू बनवाया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं उसे बोल दूंगा तो भाई परमानेंट टैटू है, मम्मी डरा रही है यार, क्या डरा क्या रही, क्या बोल क्या, देखो मम्मी कह रही ब्लड सेल्स में प्रदूषित हो जाता है खून, इसको खून भगाने की वापस कोशिश करता है, ये है वो है। आपने तो बड़े बड़े करवा रखे हैं, ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, मैं वैसे नहीं कर सकता, इतना ब्लड ही नहीं है। बुलवाओ मत मामा से गले में है ना। अधूरा चांद हो गया, इतना ही छोड़ दे, फिल इन द ब्लैंक्स। सही है, मैं तो कह रहा हूँ बन गया, दिखा 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 दिखा, बढ़िया लग रहा है, कितना क्लियर आ रहा है, था उसका तो हो गया भाई, तेरा इतना है करना नहीं है, करना नहीं है, कराने की हिम्मत तभी आती है ना, ऑलरेडी आप दबा के कर रहे हो, दो मिनट रुक रुक के करो ना, क्यों क्या हो गया, दर्द होता है और क्या हो गया, अरे दर्द नहीं होता, इट्स ओके, इट्स स्वीट पेन, ये तो दर्द है तान्या यार, थोड़ा रुकवा रुकवा, याद है मुझे हुआ था, मैं हंस रहा था यार, आई यू वर लिटरली क्राइंग, नॉट लाइक, अरे योद्धा है तू तान्या, यस आई एम अ फाइटर। तुझे कैसे लग रहा है अपनी मतलब ही बहन से बात करते हुए, जब तेरे साथ कहते बनवाने आई थी, तेरा अपना भी बनवा लिया, अपना एक और एक ये दो बनवा के जा रही है, अब तो शहर को बुलाओगे ना, तो शहर ऐसे ही लेके वहां आएगा, हां टैटू बन गया है, नाउ हम लोग मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सही सही चीज़ें मिलती हैं, लिटरली अगर आप गोवा आ रहे हो ना, आपको शॉपिंग करके आने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं से आप सारा सामान ले लो, बहुत सही मिल जाता है, तो हम लोग ना एक्सप्लोर द मार्केट ना। सो गाइज हमारा टैटू का काम हो गया है, मैंने आपको बताया नहीं मैंने दोनों टैटूस क्यों बनवाए हैं, ठीक है, ये तो बहुत बोलो झूठ बोलो ये बहुत ही गलत, तो मानना नहीं है मानशु, मैंने तेरे लिए बनवाया है, इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल, द टैटू इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, लाइक लिटरली इट्स नॉट लिटरली सॉरी इधर होता दिल, तो हिमांशु के नाम का एक मीनिंग होता है मून, एक मीनिंग नहीं, हिमांशु के नाम का मीनिंग मून ही होता है, तुझे पता हुआ था या नहीं, कम से कम कवर नहीं होता, हिम होता ना, इट्स नॉट माय नेम इज नॉट हिम व्हाटएवर, तो योर नेम मींस मून आल्सो ना, सो आई गॉट ये यहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे नाम का मतलब मून नहीं होता है, इट कूल रेज ऑफ मून,
ठंडी को क्या कहते हैं उसको, किरने व्हाटएवर मून तो है ना। सो ये तूने पूरा टैटू के मीनिंग की वो कर दिया। मैंने क्या कर दी भाई, तू कवर कर रही है, तूने टोरेबाजी में बनवाया था, सुंदर लगा तो क्यूट लगा तो मैंने बना लिया। एंड उसका मीनिंग ये भी निकला कि मांशु का मतलब मून होता है, और किसी ने मुझे बताया तो ठीक है, मैंने इसके लिए लिटरली टैटू बनाया, मांशु इतना प्यारा। एंड दूसरा मैंने लिखा है MSN योद्धा मीन्स आई एम अ फाइटर, ये मुझे काफी अच्छा लगा, यू नो दैट यू नो बी डोंट डू दैट है ना। दोनों टैटू मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं। सो अभी हम पैक करा रहे हैं, पता चलेगा वो तो हफ्ते दो हफ्ते बाद ही, कितने बड़े हैं। एक दो हफ्ते के बाद ही प्रॉपर पता चलता है। इन दोनों ने इंपल्सिव डिसीजन लिया, दोनों भाई बहनों ने दिल्ली से करवाते बढ़िया किसी दुकान से, अच्छी दुकान से, लेकिन नहीं, ये तो गोवा आके टशनबाजी करनी। एंड अभी हम लोग मोमोज और चाउमिन पैक करा रहे हैं यहाँ गोवा की, देखते कैसी होती है। एंड ताई ने मेरे इतना सरदर्द कर दी, मुझे बाम लेना पड़ा। बाय तुषार, मिलते हैं दिल्ली। बाय। टाइटल दिला दो। अरे यार हाँ, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बाय बाय माँ, मिलते हैं दिल्ली। ओके बाय बाय। रूम की चाबी कहाँ है? गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग निकल रहे हैं फाइनली, ट्रिप हमारा खत्म हो गया। और ट्रिप खत्म होता है ना मूड खराब सा हो जाता है, बट अभी वी आर गोइंग होम। मम्मी पापा ऑलरेडी निकल चुके हैं, मैंने आपको दिखाया था सुबह 4:30 बजे वो लोग निकल गए थे, 8 बजे सुबह के 6 है ना, हम लोग भी निकल रहे हैं। एयरपोर्ट हमारे अलग अलग थे तो इसलिए साथ में भी नहीं गए। अभी क्या वाला आ गया, जल्दी से भागते हैं। हमने थोड़ी बहुत पेट पूजा कर ली है, पिज्जा फ्लाइट का टाइम होने वाला, चले। हे गाइस, वी हैव रीच्ड दिल्ली, थक गए हैं। थोड़ा थोड़ा थक नहीं गया, मैं तो क्या सोते आई हूँ, मेरी तो नींद पूरी हो गई। नाश्ता कितना यम्मी था यार, मैंने उपमा खाया और इडली सांभर खाया, मजे ही मजे। Now I'm gonna end this vlog right here, and if you have enjoyed this video, please give it a big thumbs up, and I'll see you in the next one. Bye.